पंजाबी भाजी इस बात के लिए बड़े बदनाम हैं पूरी दुनिया भर में कि सारा टाइम हंसाने में, खाने में और गाने में निकाल देते हैं। अच्छा, ये सोचकर अंडरवर्ल्ड वालों ने एक पंजाबी प्रोग्राम रख लिया गाने बजाने का, पेमेंट तो मिलनी नहीं थी, कोई नहीं पहुंचा, उनको गुस्सा आया, कलाकार को शूटिंग से उठा के ले गए भाजी अंडरवर्ल्ड। अब स्टेज पे चढ़ा दिया, अब नीचे का टपोरी आया उसे धक्के से प्रोग्राम करवाने, ए कलाकार लोग अपने कान के ढक्कन खोल के सुन लो, समझे? वो क्या है कि भाई को पंजाबी प्रोग्राम बहुत पसंद है, अब एकदम बढ़िया पंजाबी प्रोग्राम दिखाने का है, लेकिन जरा भी पंजाबी टच नहीं मांगता है, समझे? ए स्टेज पे नीचे कौन है रे? भाई सुरेंद्र है, लाफ्टर में तबला बजाता है। इसको काहे को लाए रे, वहां कौन बजाता होएगा तबला? भाई जज लोग भी आए हैं। तो कौन कौन गाना गाएगा, कौन गाएगा? भाई गाना नहीं गाते, हंसाने वाले प्रोग्राम में आते हैं। ए दोनों में से कौन आ जाएगा रे? शत्रु सिद्धू जी। अबे ओ चपड़ गंजो। अबे हंसना भूल गए क्या? हम हंसाएंगे। तो ये सरदार जी क्या करेंगे? ये कोरस पे आएंगे। ए चुटकुला के सुनने बाद हंसेंगे। चल भाई को बढ़िया लतीफा सुना चुटकुला। 50 सवारियों से भरी बस को ड्राइवर जंगल में लगाई, शाबाश। एकदम उसका टायर पंक्चर हो गया, ड्राइवर बाहर निकला, टायर निकाला, कंधे पे रखा और शहर की तरफ चल दिया, आई शाबाश। और एक दिन तक वापस नहीं लौटा। ये क्या है, इसमें हंसी कहाँ है? अबे सवारियां भूखी मर गई, तेरे को हंसी की पड़ी है, खामोश। ए खामोश, ए खामोश, ए भाई को हुल दे रे लाए, ए घोड़ा ला मेरा घोड़ा, गोली निकलता इसमें। अबे ओ खरबूजे का बीज। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार मरेगा, जो सिद्धू के साथ बैठ सकता है वो तेरी गोली से कटेगा, खामोश। तभी एकदम सिद्धू भाई आगे, हुजूर आला इनकी बात का बुरा मत मानना, ये बड़े रंगीले आदमी हैं, ताली ठोको ठोको ताली ठोको। लो तुम लोगों को मिमिक्री सुनाऊंगा धर्मेंद्र की आवाज, कुत्तों के बिना ठोको ताली ठोको। गब्बर सिंह की आवाज, सुअर के बच्चों ठोको ताली ठोको। बच्चन साहब की आवाज, हई साला ठोको ताली ठोको। चलो ऐसा है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, अगर दे दिया जो तुम कहो, अगर ना दे सके तुम लोग भांगड़ा करोगे गुरु, दोनों भाई जज बनेंगे सामने। बताओ हड्डी और मांस से बनी कौन सी चीज होती है जो हमेशा नाक में पाई जाती है? ये सरदार जी हार मान गए। हजूर आला वो चीज होती है उंगली। हा, हा, हा। भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सके, अब एक जवाब देता हूं, उसका सवाल ढूंढो। जवाब है श्री नवजोत सिंह सिद्धू, जाओ सवाल ढूंढो। थैंक यू वेरी मच भाई। मोहतरमा पुलिस वाले की बेटी है, थिएटर और स्टेज से रहा है रिश्ता पुराना, लाफ्टर चैलेंज फोर में आई है लेके हंसी का खजाना। मुझे देखकर ऐसा नहीं लगता कोई जट्टी मेले से भागकर इधर आ गई हो। और चिंता ना करो, नो इफ नो बट ओनली सिद्धू द जट। पाजी लोग मुझे देखकर ये भी कह रहे थे कि सिद्धू की बरात आज है। और कुछ लोगों ने मुझे देखकर सीटी भी बजाई थी। सिद्धू पाजी लगता है इनके घर में माँ बहन नहीं है। शत्रु पाजी छोड़ो, कुछ लोग बड़े बेशर्म होते हैं, कहते माँ बहन है लेकिन तू नहीं है। सिद्धू पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। नमस्कार शत्रु जी। नमस्कार शहनाज, आई लव यू यार। तेरी। कितनी सारी नमस्कारों में अकेली सत श्री अकाल। खैर शत्रु पाजी आप बात बताओ मुझे, ये आपका नाम किसने रखा था शत्रुघ्न? दिल्ली के एक स्कूल में जी 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 दसवीं कक्षा की कन्या थी, उससे पूछा गया था जी पाजी कि राजा दशरथ के चार बेटों के नाम बताओ, नाम लिखो, तो उसने लिखा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सिन्हा। वेरी गुड। चलो बताओ फिर आपका नाम किसने रखा था? अरे भाई अगर आपने नहीं रखा तो माँ बाप ने रखा होगा। माँ बाप ने रखा। सिद्धू पाजी नाम कम धमकी ज्यादा लगती है। शहनाज
ये मर्द लोग इतने चलाक होते हैं, इतने गलत होते हैं, हैं? इनको घर से खुशियां मिलती होंगी या बाहर खुशियां ढूंढने चले जाते हैं? इसका सबसे बड़ा सबूत पता मैं दिखाऊं तेरे, सिद्धू पाजी हैं। लाफ्टर चैलेंज चौथा शुरू हो गया, देख लो अभी तक इधर ही बैठे हैं। ये मर्द लोग इतने गलत होते हैं, देर रात तक अपनी सेक्रेटरी साथ रखते हैं। ओ तेरी। भाई क्या पता कौन सा आइडिया कब इनके दिमाग में आ जाए। शत्रु पाजी, आपने वो एयर होस्टेस देखी है, सुंदर सुंदर जो ऐसे करती है, इधर का द्वार उधर को, उधर का द्वार इधर को। हाँ जी। हाँ, देखा देखी है, इनके शक्ल से इनके करतूतों का पता चलता है। मैंने जब इधर लाफ्टर चैलेंज के लिए बॉम्बे आना था ना पाजी, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। पाजी मैं सुंदर बहुत हूँ ना। बोले राजवीर तू नहीं जाएगी, तू अपने साथ अपनी मौसी को लेके जा। आए हाय पाजी, मेरी मौसी, मैं क्या बताऊँ आपको पाजी। मैंने ना मौसी को कहा, मैंने कहा मौसी अपना मतलब मैंने लाफ्टर चैलेंज में जाना है, तो तू मेरे साथ जा रही, तेरे को पता वहाँ पे सिद्धू पाजी जज हैं। मेरी मौसी मुझे क्या कहती है? जानती हूँ मैं सिद्धू को, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये ना चार भाई हैं। मैं तो कल्लम कल्ला। एक क्रिकेट खेलता है, दूसरा कमेंट्री करता है, और तीसरा हमारे शहर का अमृतसर का एमपी है, और चौथा ये लाफ्टर चैलेंज का जज है। और मैंने कहा मौसी नहीं, सिद्धू एक है, एमए एक है, और पुत्र ये चार भाई, इनकी शक्लें एक हैं। एक आदमी थोड़ी इतना हंस सकता है। मैं कहा मौसी मेरी बात मान, ये सिद्धू एक ही हैं, ये चारों काम उन्होंने किए हैं। वेखला शत्रु पोता, पेट के लिए आदमी को क्या कुछ करना पड़ता है। बेचारे ने चार चार काम किए, चार चार काम तो बदल चुका है, गहरा सदमा लगा है ना बेचारे को। ऐसे थोड़ी बिना मतलब के कोई इतना हंस सकता है। कराची के ये मशहूर ड्रामेबाज हैं, लाफ्टर चैलेंज 4 में लेकर आए पाकिस्तानी अंदाज हैं। नमस्कार। सत्सरियाकाल। सत्सरियाकाल हुजूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ततरू जी माशाल्लाह आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? शत्रु जी मैं तो आपका बचपन से फैन हूँ, मेरी नानी आपको बहुत प्यार करती थी। अब मेरे कोटे में नानी ही रह गई है लगता है। शत्रु जी हमारे पाकिस्तान बहुत आए, पाकिस्तानी इन्हें बहुत प्यार करते हैं। एक मर्तबा इनसे मेरी इस्लामाबाद में मुलाकात हो गई। मैं कहा शत्रु जी आप मुझे जानते हैं? कहने मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैं कहा आप मुझे नहीं जानते? कि नहीं, कमाल है आप मुझे नहीं जानते, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी। मैंने कहा शत्रु जी मैं बहुत छोटा सा फनकार हूँ, आप बहुत बड़े फनकार हैं, आप मेरी मदद करें। कहने मांगो क्या मांगते हो? मैंने ताश की गड्डी रखी इनके सामने, मैंने कहा 100 रुपये का बादशाह बार देना। पाजी। हाँ जी। शत्रु जी मुझे कहने लगे सोल्जर तुम बहुत हसीन हो, बहुत स्मार्ट हो। मैंने कहा इस बात पे मैंने कभी गुरूर नहीं किया। कहने इस मुंह पे गुरूर बनता भी नहीं।